आज हम एग्जाम्पल करेंगे एम सैंती के कण पर जो एक सरल रेखा में चल रहा है। जब एक्स इज लेस देन ए हो तो एक आकर्षी बल एम म्यू अपॉन ए इंटू एक्स कार्य करता है, और जब एक्स इज ग्रेटर देन ए हो तो बल एम म्यू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कार्य करता है। जहां दोनों ही अवस्थाओं में एक्स सरल रेखा में किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी को व्यक्त करता है। यदि कण मूल बिंदु यानी स्थिर बिंदु जो दे रखा है से ट्वाइस ए दूरी से विरामावस्था से रवाना हो तो सिद्ध करो कि वह मूल बिंदु पर रूट ट्वाइस ए म्यू वेग से एवं रूट ए पॉन म्यू इंटू थ्री पाई बाई फोर प्लस वन समय में पहुंचेगा। हल सॉल्यूशन। कण पर दो तरह के आकर्षी बल कार्य कर रहे हैं। जब एक्स का मान ए से कम है तो आकर्षी बल है एम म्यू एक्स अपॉन ए, और जब एक्स का मान ए से ज़्यादा है तो आकर्षी बल है एम म्यू ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कण जहाँ एक्स किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी है। अब कण टू ए दूरी से विरामावस्था से रवाना हो तो हमें सिद्ध करना है कि वह मूल बिंदु पर रूट ट्वाइस एम म्यू वेग से एम रूट ए बाई म्यू इंटू थ्री पाई बाई फोर प्लस वन समय में पहुँचेगा। जैसा कि चित्र में देखना कि ये ओ यदि स्थिर बिंदु यानी मूल बिंदु है, इससे बी दूरी जो कि ट्वाइस ए दूरी पर बी बिंदु है, इससे कण विरामावस्था से यानी यहाँ पर वी बराबर जीरो है विरामावस्था से रवाना होता है और कण इधर आता है ओ की तरफ। किसी समय कण पी बिंदु पर पहुँचता है जिसकी ओ से दूरी एक्स है, और ए बिंदु हमने एक ऐसा लिया इस रेखा पर, ओ ए बी सरल रेखा है और इस पर ए बिंदु ऐसा लिया जिसकी ओ से दूरी ए है, बी बिंदु की ट्वाइस ए है और ए बिंदु की ए है। चूँकि ए दूरी से कम यदि अपन दूरी लेते हैं तो आकर्षी बल दूसरा है, और ए से जब ज़्यादा दूरी लेते हैं तो आकर्षी बल दूसरा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ए दूरी के ऊपर स्थित बिंदु को ए बिंदु ले लिया। अब पहले हम ए से बी, बी से जब कण चल करके ए तक आएगा जिस आकर्षी बल के अधीन आएगा उससे हम इसकी गति की बारे में अध्ययन करेंगे, एवं जब ए पर पहुँच जाएगा इसके बाद में ओ की तरफ जब कण बढ़ेगा तो आकर्षी बल चेंज हो जाएगा और हम उससे दोबारा हम ए से लेकर के ओ तक की गति का अध्ययन करेंगे। हम बी से चल करके जब कण ए पर पहुंचता है तो उसे समय कितना लगता है और ए पर उसका वेग क्या होता है, दो चीज़ें निकालेंगे जिनकी हमें आगे आवश्यकता है, क्योंकि दो काम करने हमें, एक तो ओ पर पहुंचने पर कण का वेग निकालना है, एक कण का बी से ओ तक का समय निकालना है। तो बी से ओ तक का समय निकालने के लिए पहले हम जो आकर्षी बल दे रखा है जो ए से बड़ी दूरी एक्स का मान है उसके लिए काम करता है एम एम ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इस आकर्षी बल के अधीन बी से ए तक पहुंचने का समय निकालेंगे और ए पर पहुंचने का वेग निकालेंगे। चलिए आगे हम हल करते हैं इसको। स्थिति एक कह देता हूं मैं, जब कण एक्स इज ग्रेटर देन ए हो, जब एक्स इज ग्रेटर देन ए हो तो कण की बी से ए तक की गति, बी पर एक्स बराबर ट्वाइस ए है वेग बराबर जीरो है, वह कण की गति का समीकरण एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा। ये गति का समीकरण में माइनस इसलिए लिया है क्योंकि एक्स डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्स के कम डिक्रीज होने के कारण से माइनस का निशान एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू आता है माइनस म्यू ए स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स डबल डॉट को हम लिखेंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जिसको हम वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, तो वी डी वी इधर आ गया, डी एक्स इधर आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसलिए समाकलन करने पर वी का समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, और ये एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समाकलन करेंगे एक जुड़ेगा नीचे भाग लगेगा, तो प्लस एम म्यू स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका समाकलन हो गया और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परंतु बी पर एक्स बराबर तो ट्वाइस है और वेग वी बराबर जीरो है, इसलिए वी बराबर तो हम जीरो रखेंगे, एक्स की जगह ट्वाइस रखेंगे तो सी वन का मान आ गया, जब यहाँ जीरो दिया तो जीरो हो गया, यहाँ ट्वाइस रखा तो एक ए कैंसिल हो गया और ऊपर ए बचेगा तो म्यू ए बाई टू हो जाएगा, ट्वाइस रख दिया देयरफॉर सी वन बराबर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा म्यू ए बाई टू, और सी वन का मान वापस पुट कर दिया जिसको हमने एक नंबर इक्वेशन कह दिया वी स्क्वायर बाई टू, दिस इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस म्यू ए बाई टू। अब माना ए बिंदु पर जब कण पहुंचेगा तो ए पर उसका वेग वी ए हो जाता है, तो एक से ए पर एक्स बराबर तो ए है स्मॉल ए है, और ए पर वेग हमें जो निकालना है उसका मान हमने वी ए कह दिया, तो जब एक्स बराबर ए होगा उसमें वेग बराबर वी ए होगा, इसमें एक में जब पुट करेंगे तो वी ए स्क्वायर बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने ए रख दिया ऊपर से कट गया तो म्यू ए माइनस म्यू ए बाई टू दैट इज म्यू ए बाई टू, बाई टू लेकिन वी ए स्क्वायर के नीचे भी इसलिए बाई टू दोनों साइड से हट गया, तो वी ए बराबर आ गया
ए म्यू का रूट, जिसको हमने इक्वेशन नंबर दो कह दिया। अब थोड़ा आगे बढ़े पुनः एक से, एक नंबर जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सरल किया तो वी बाई टू को हमने उधर कर दिया, इधर से हमने कॉमन ले लिया म्यू ए, तो म्यू ए बाई टू कैंसिल हो गया, अंदर आ गया ब्रैकेट में टू ए बाई एक्स माइनस वन, इसमें से म्यू ए बाई टू कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ गया टू ए बाई एक्स माइनस वन। एंड दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर को हमने डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर कह करके रूट कर दिया दूसरी साइड में, और वही नेगेटिव साइन चूँकि एक्स डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस का निशान। अब एक्स एक तरफ ले लेंगे, टी एक तरफ ले लेंगे और देखते हैं, मान लिया जाए बी से ए तक का समय यदि टी वन है तो हम आगे बढ़ते हैं, टी वन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। माना कण द्वारा बी से ए तक लिया गया समय टी वन है तो समाकलन करने पर डी टी उधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए आगे लघुतम लेकर के अपने एक्स को एक तरफ कर दिया और टी को एक तरफ कर दिया। अब टी की लिमिट बी से ए तक जाने के लिए हमने टी वन समय लिया तो बी पर जीरो था, और ए पर आने पर टी वन समय ले लिया तो जीरो टू टी वन, और एक्स की लिमिट बी के लिए टू ए थी और ए पर जब पहुंच जाएगा तो ए हो जाएगी, माइनस का निशान जो था वो एज इट इज पड़ा है। और ये इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं कितना आता है, माना एक्स बराबर टू ए साइन स्क्वायर थीटा, रूट को सोल्व करने के लिए एक्स की जगह टू ए साइन स्क्वायर थीटा मानते हैं अपन, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा फोर ए इंटू साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। लिमिट देखिए जब एक्स का मान टू ए रखेंगे तो टू ए टू ए कैंसिल होकर साइन थीटा बराबर एक आएगा, और साइन थीटा बराबर एक आता है तो थीटा बराबर होता है पाई बाई टू। दूसरा जब ए रखेंगे, ए रख दिया एक्स बराबर तो एक ए कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन बाई टू, देयरफॉर साइन थीटा बराबर वन अपॉन रूट टू मीन्स थीटा बराबर पाई बाई फोर, माइनस का निशान पड़े, लिमिट चेंज हो गई है। नीचे 2a साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 2a कॉमन आ जाएगा, ऊपर यहाँ भी x की जगह 2a रखेंगे तो 2a कट जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा होकर के रूट के बाहर निकलेगा कोस थीटा हो जाएगा, ऊपर 2a कैंसिल हो गया x था रूट में, साइन स्क्वायर थीटा का बाहर साइन थीटा आ गया, और ये dx की जगह हमने रखा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये मान आ गया नीचे से कोस थीटा कैंसिल हो गया, और दिस इज इक्वल टू ए म्यू का रूट है इंटू टी वन, देयरफॉर टी वन इज इक्वल टू इस ए रूट इसका भाग लगा देंगे 2a, इसमें से निकाल लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जिसको मैंने 1 माइनस कोस टू थीटा लिख दिया, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस टू थीटा के फॉर्मूले से 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, कोस टू थीटा का साइन टू थीटा अपॉन टू हो गया, ये बाहर पड़ा है। ऊपर नीचे देखिए काटेंगे तो नीचे रूट ए है, ऊपर ए है इसलिए ऊपर रूट ए बच गया, नीचे रूट म्यू बच गया और 2 पड़ा है। अब देखिए लिमिट पुट करेंगे, जब पाई बाई टू रखेंगे तो साइन पाई बाई टू साइन पाई हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई टू होकर के साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई जीरो होता है, पाई बाई फोर रखेंगे तो यहाँ पाई बाई टू होकर के साइन पाई बाई टू वन होकर के माइनस वन बाई टू, लेकिन एक सीमा का निशान लगेगा, एक ही लगेगा, माइनस माइनस प्लस। चलिए पहले ये रखते हैं थीटा की जगह, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर थीटा की जगह रख दिया, अब इसकी जगह रखें पाई बाई टू रखेंगे जीरो, और फिर सीमा का निशान माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई फोर रखेंगे पाई बाई टू होकर साइन पाई बाई टू एक हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो वन बाई टू, और इसको हमने सोल्व किया तो पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू, टू को हमने नीचे से कॉमन ले लिया तो टू कैंसिल हो गया गुणा का, या टू को अंदर ले गए तो पाई बाई टू प्लस वन हो जाएगा, अब बाहर रूट ए पॉन म्यू, ये टाइम टी वन आ गया बी से लेकर के ए तक की गति का। अब कण ए से लेकर ओ तक की कण की गति देखते हैं, जब एक्स इज लेस देन ए हो तो गति का समीकरण रहेगा चेंज हो जाएगा क्योंकि आकर्षण बल दूसरा दीर्घ है, और गति का समीकरण होगा एम एक्स डबल डॉट दिस इज इक्वल टू माइनस एम इंटू म्यू एक्स बाई ए, एम दोनों साइड से कैंसिल हो गया, डी एक्स डबल डॉट को भी डी वी बाई डी एक्स लिख दिया, डी एक्स इधर आ गया और इंटीग्रेशन कर दिया, देयरफॉर वी डी वी का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस का म्यू पॉन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, वी डी वी का हो गया वी स्क्वायर बाई टू, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू हट गया, और ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर से। परंतु ए पर प्रारंभ में जब कण ए पर है उस समय कण का वेग तो वी ए बराबर ए रूट म्यू रूट ए म्यू और एक्स बराबर ए है, तो दोनों मान पुट कर देते हैं x बराबर ए पर v बराबर वी ए, दिस इज इक्वल टू अपन ने पिक्चर निकाल लिया दो नंबर समीकरण में, रूट ए म्यू है, मान जब पुट कर दिया ये ए म्यू हो गया, और इसका मान रख दिया x बराबर ए तो एक कट करके ए म्यू हो गया, उधर चला जाएगा तो सी वन या सी टू जो भी कहो इस बराबर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए म्यू, मान वापस पुट कर दिया इक्वेशन नंबर चार आ गया। अब माना ओपर वेग वी जीरो है, ओपर पहुंचेगा तो उसमें वेग वी जीरो मान लेते हैं, लेकिन ओपर एक्स जीरो हो जाता है इसलिए एक्स बराबर जीरो रख देंगे ओ के लिए, और वी बराबर वी जीरो रख देते हैं, देयरफॉर वी जीरो स्क्वायर दिस इज इक्वल ट्वाइस एम यू, यानी वी जीरो बराबर रूट ट्वाइस एम यू, रूट ट्वाइस एम यू, और यही निकालना था
कि मूल बिंदु पर जब स्थिर बिंदु पर कण पहुंचता है तो उसका वेग ये होता है। तो आधा काम हो गया, अब हमें समय और निकालना है, तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम चार नंबर इक्वेशन को, dx बाई dt का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए म्यू माइनस म्यू अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2a रह गया, ए स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस एक्स स्क्वायर। dx बाई dt का होल स्क्वायर है, देयरफॉर dx बाई dt दिस इज इक्वल टू रूट म्यू बाई ए, इसके भी रूट लग गया, निशान माइनस, चूंकि एक्स घट रहा है इसलिए निशान नेगेटिव लेना है, एक्स एक तरफ और टी एक तरफ, हमने वापस चेंज कर दिया। मान लीजिए कण ए बिंदु से चल करके ओ पर पहुंचता है तो उसके द्वारा लिया गया समय टी टू है, तो इसके टी की लिमिट आ जाएगी 0 से T2, और एक्स की लिमिट ए बिंदु पर जब प्रारंभ में है तो एक्स बराबर ए है, और जब ओ पर पहुंचता है तो एक्स बराबर 0 हो जाता है, तो एक्स की लिमिट आ जाएगी ए से 0, और इसकी लिमिट हम 0 से T2 लिख देते हैं। माना कण द्वारा ए से ओ तक लिया गया समय T2 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने अभी समझा दी आपको, तो ये आ जाएगी माइनस ए टू 0 डी एक्स बॉन्ड रूट टू आई से स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट होगी 0 to T2। टी टू का जो भी गुणांक है उसको अपन दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ देखिए इसका जो समाकलन होगा इंटीग्रेशन वो होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रूट टू, इसका रूट ए रूट टू, जब 0 देंगे साइन इनवर्स 0 बराबर 0 होता है, जब ए देंगे ए कटेगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू पाई बाई 4 होता है, लेकिन एक सीमा का माइनस है एक बाहर का माइनस है, दोनों कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, और टी टू का मान आ जाएगा रूट ए पॉन म्यू इंटू पाई बाई 4, ये टी टू है। अब कण द्वारा बी से चलकर ओ तक लिया गया समय बराबर T1 + T2, बी से ए तक का, ए से ओ तक का दोनों समय हम जोड़ देंगे तो बी से ओ तक का समय आ जाएगा, यानी बी से ओ तक का समय बराबर हो गया T1 + T2। ये T1 हमने ज्ञात कर लिया, ये T2 हमने ज्ञात कर लिया, दोनों के मान पुट कर दिए, इसमें दोनों में रूट ए पॉन म्यू बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा पाई बाई 2 + 1 एंड प्लस पाई बाई 4, दैट इज रूट ए बाई ए पॉन रूट म्यू और इंटू 3π/4 + 1, ये जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। इक्वेशन नंबर 5 से हम देखते हैं ओपर कण के पहुंचने का वेग जो है वो रूट ट्वाइस ए म्यू आता है, और 6 से हम देख रहे हैं कि ओपर तक पहुंचने पर कण द्वारा लिया गया समय रूट ए पॉन म्यू और इंटू 3π/4 + 1, और यही हमें ज्ञात करना था। थैंक यू।